नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हां, बीते दिनों एक प्रोग्राम किया गया था, हमने प्रोग्राम किया था जिसमें यह बताया गया था कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी उतर सकती हैं। जी हाँ, और उनके उतरने की संभावनाएं जताई थी। तो उस पर जो प्रोग्राम किया था उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट सामने आया था। तो जैसा कि हमारा एक खास प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम दर्शकों के नाम, इस प्रोग्राम के जरिए हम उन दर्शकों के कमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो दर्शक अच्छा और पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो पहला कमेंट लेकर हम हाजिर है बिंदेश्वर का, प्रियंका को आगे आना चाहिए, उन्होंने कमेंट किया है। देखिए कि आगे आना चाहिए, वहीं अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका की अगर हम बात करें, तो प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की जो संभावना है वो उसको लेकर जैसा कि बताया था हमने कि शायद देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भी लोग जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी भी उतरे। और अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर हालांकि तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से, लेकिन ये देखने को नहीं मिल पा रहा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। और सागर सिंह लिखते हैं कि प्रियंका गांधी जिंदाबाद, देखिए किस तरीके का कमेंट उन्होंने किया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कमेंट्स की, तो इस तरीके से कमेंट आए हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि प्रियंका गांधी को लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं, यानी कि प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं कि प्रियंका अच्छी नेता है राहुल गांधी से। और आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक नेता ने और कहा था, यानी कि कांग्रेस के ही नेता ने कहा था कि राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी है, क्योंकि प्रियंका गांधी के अंदर उस तरीके की नज़र आती है छवि एक राजनीतिक एक नेता के तौर पर, जो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। और हालांकि अगर मैं लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं, तो जैसा कि मैं बता भी रहा हूं आपको कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हर तरह की कोशिश कर रही हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या अब की बार लोकसभा चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है, क्या अब की बार लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखिए चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो तमाम विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कोशिश में लगी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, बसपा सुप्रीमो मायावती इस कोशिश में लगी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी इस कोशिश में लगे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन इनका सपना क्या साकार होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्या जनता इन पर विश्वास करेगी। और अगर मैं मोदी सरकार की बात कर लेता हूं, तो मोदी सरकार के 4 सालों के कामकाज से जनता खुश नहीं है। और जिस तरीके की बात देखने को मिले कि जनता अगर खुश नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब की बार पीएम मोदी को झटका लगना तय है। अगर मोदी सरकार ने इन 4 सालों में बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया होता, जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, यानी कि लगभग 24 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, अगर उन पर सरकार नियुक्तियां करती, तो इससे यह होता कि हाँ लोग उन्हें वोट करेंगे। और किसानों की परेशानी पर सरकार काम करती तो लगता कि वोट उन्हें देंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि सरकार ने इन वर्ग के लोगों के लिए काम ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ये लोग जो है इन्हें वोट क्यों, यानी कि बीजेपी को वोट क्यों करेंगे। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है। चलिए कमेंट की तरफ बात करते हैं। एसके लिखते हैं कि प्रियंका गांधी इज गुड नेता कांग्रेस। देखिए जैसे कि मैं बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले कि प्रियंका गांधी को एक अच्छा नेता उन्होंने बताया है, और जिस तरीके से ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी के मुकाबले, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर वो छवि नहीं दिखाई देती जो प्रियंका गांधी के अंदर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी बोलती हैं, जिस तरीके से चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां रहती है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर नहीं है। अगला कमेंट मोहम्मद अफसार का है, तो राहुल गांधी जिंदाबाद की बात ये कह रहे हैं। चलिए ये तो कमेंट रहा। और अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि तमाम विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि बीजेपी अब जिस तरीके से मैदान में उतर चुकी है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वोटों को किस तरीके से वोटरों को लुभाया जा रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। यानी कि बीजेपी हर स्तर पर काम कर रही है, यानी कि साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो तरीका बीजेपी अपना रही है,
इससे क्या बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, क्या इससे पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा फायदा होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, और जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है, इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से जीतोड़ तरीके से मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जो है पार्टियां कोशिश कर रही हैं चुनाव जीतने को लेकर, कैसे चुनाव जीता जाए, चुनाव जीतने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं कि अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब की बार विपक्षी पार्टियों के आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने वो काम नहीं किया जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि बेरोजगार लोगों को सरकार ने रोजगार नहीं दिया, लगभग 24 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पर सरकार ने नियुक्तियां नहीं की, किसानों की परेशानी पर सरकार ने काम नहीं किया। आज जिस तरीके से व्यापार मंदा है वो देखने को मिल रहा है, व्यापारियों के लिए सरकार ने काम नहीं किया, यानी कि जिस तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है, जिस तरीके से सरकार ने इन 4 सालों में काम नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है जनता सरकार से नाराज होगी, और उनकी ये नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ बीते कुछ समय पहले जब उपचुनाव हुए थे कई स्टेट में, वहां पर बीजेपी जिस तरीके से हारी है ये कहीं ना कहीं नजर आता है, और ये दिखाता है किस तरीके से लोग बीजेपी को नकार रहे हैं, किस तरीके से लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वाकई में लोग जिस तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं, और अब की बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत आने की संभावनाएं भी बहुत कम हो गई हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि अब की बार मोदी सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, यानी कि अभी सरकार के पास वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में सरकार अगर चाहती है तो लोगों के लिए काम कर सकती है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकती है, और अगर सरकार बेरोजगार लोगों को रोजगार देती है, सरकार किसानों की परेशानियों पर काम करती है, किसान उनकी परेशानी सुलझाती है, व्यापार जिस तरीके से ढीला चल रहा है, मंदा चल रहा है, उस पर अगर सरकार काम करती है, तो जाहिर सी बात है लोग सरकार को वोट करेंगे, लोग बीजेपी के समर्थन में आएंगे। लेकिन सब सरकार काम ही नहीं कर रही है लोगों के लिए, जब सरकार लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही, तो जाहिर सी बात है जनता कहाँ से दोबारा बीजेपी पर विश्वास करेगी। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह का एजेंडा वो बना रही हैं, तो इससे ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियों ने एक ऐसा एजेंडा तैयार कर लिया जिससे जनता को वो लुभा सके, तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों के आने की संभावनाएं बढ़ गई। सर्वे की अगर मैं बात करता हूँ, कई तरह के सर्वे निकल कर सामने आए जिसमें यह बताया गया है कि बीजेपी के हारने की संभावना इस बार ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो जनता कहां से मोदी सरकार को वोट करेगी। अब तय समय में मोदी सरकार को काम करना है, और अगर वक्त रहते सरकार ने काम किया, वक्त रहते सरकार ने कदम उठाया, और वक्त रहते सरकार ने लोगों की परेशानियों पर ध्यान दिया, तो लोग उन्हें वोट कर सकते हैं। देखिए राजनीति एक ऐसी चीज होती है कब पासा पलट जाए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता, तो वैसे में ये सरकार को तय करना है, सरकार को रणनीति बनानी है कि क्या करें क्या ना करें, और वोटरों को किस तरीके से लुभाना है ये भी देखने वाली बात है। देखिए अगर जनता तभी सरकार से खुश होगी जब सरकार काम करेगी, जब बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जब सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियां की जाएंगी, जब किसानों की परेशानी पर सरकार बात करेगी, तब जाकर बीजेपी उम्मीद लगा सकती है कि जनता उन्हें वोट करेगी। अगर इन मुद्दों पर सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी खामियां हैं, और सर्वे में जिस तरीके की बात सामने आई है ये नजर आता है, ये दिखाता है वाकई में मोदी सरकार को अब की बार बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और विपक्षी पार्टी इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। खैर देखते हैं, जनता जनार्दन है, जनता किसे वोट करती है किसे वोट नहीं करती है, जनता ही पीएम बनाएगी, जनता किसके हाथ में देश की कमान देगी ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। खैर देखते हैं कि आखिरकार क्या रहेगा जनता का फैसला। अभी तक जो देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी से तो नाराज है जनता, क्या
उनका मूड बदल जाएगा, क्या वो अपना कोई और फैसला ले लेंगे, ये तमाम चीजें तभी पता चलेंगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।